हाँ जी बेटे, गुड आफ्टरनून बेटे। लास्ट क्लास के अंदर आपने फर्टिलाइजेशन आर्टिकल है जेड़ा वो कंप्लीट कर लिया सीगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन तो बाद आपने सेक्स ऑफ द बेबी भी दसता सीगा। नेक्स्ट है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एक मेजर आर्टिकल है जिदे अंदर आप छोटे छोटे आर्टिकल करने हैं। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब की है, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। पहला आप आर्टिकल समझते हैं, फिर आप डेप्थ च जावांगे। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वर्ड का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, पर पहले जाइगोट तो बनूगा ना। फर्टिलाइजेशन वर्ड का मतलब होंगे सिर्फ एना ही कि एग ते स्पर्म दी फ्यूजन होगी, दैट इज फर्टिलाइजेशन। जेडी भी उस तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनती है ना, दैट इज जाइगोट। जो जाइगोट बन गया, इथों दी इमीडिएटली अपने को पोस्ट फर्टिलाइजेशन है जेडी वो शुरू हो जाती है। ते पोस्ट फर्टिलाइजेशन दे अंदर ये जेड़ा जाइगोट है, जो कि एक सिंगल वन सेल्ड स्ट्रक्चर या सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है, एक मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर जिन्हों आप कहने एम्ब्रियो ओदे अंदर कन्वर्ट हुंदा है। द कन्वर्जन ऑफ द जाइगोट इनटू द एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। यानी कि जाइगोट का एम्ब्रियो दे अंदर कन्वर्ट होना इज कॉल्ड एज द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये अंदर एक फर्स्ट आर्टिकल है, छोटा जा आर्टिकल है जिन्हों पर डिस्कस करते हैं, और छोटा जा आर्टिकल दैट विल टेक राउंड अबाउट 30 मिनट्स आई थिंक सो, है ना। तो दैट इज द क्लीवेज। हम क्लीवेज की है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर फर्स्ट चेंज है, उन्हों आप कहने क्लीवेज। क्लीवेज वर्ड का मतलब होंगे टूटना। ठीक है, क्लीवेज, क्लीव मतलब, क्लीव मतलब टूटना, तोड़ना, टूटना। ठीक है, हुन जिहड़ा जाइगोट है देखो सिंगल सेल्ड है। पहले तो आप अपना दिमाग चलाने कि एक बेबी जो ह्यूमन का पैदा होंगे तो कि वह सिंगल सेल्ड होंगे? नहीं, ओदी तो बॉडी के अंदर सारे ऑर्गन प्रेजेंट है। अगर आप कले स्टमक की ही गल करिए बेबी दे, तो स्टमक के अंदर ही मिलियनज ऑफ द सेल्स प्रेजेंट ने, तो सिंगल सेल्ड तो है नहीं। यानी कि इस स्ट्रक्चर नू जो कि जाइगोट बनिया सीगा, इस स्ट्रक्चर दे अंदर कोई ना कोई टाइप ऑफ द डिवीजन हुंदी है ना, तो दैट इज द माइटोटिक डिवीजन। जाइगोट दे अंदर रेपिटेटिव माइटोटिक डिवीजन्स होके जाइगोट द एम्ब्रियो दे अंदर कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड एज द क्लीवेज। क्लियर है, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। देखो एक चीज क्लियर होगी थोनू इथे कि हर बॉडी दे अंदर जेडी जर्म सेल्स ने, जो आप प्लांट्स डिस्कस करके आए, ह्यूमंस डिस्कस कर रहे हैं, जर्म सेल्स ही सिर्फ सिर्फ ते सिर्फ वो कदों मियोसिस करते हैं जदों उन्होंने गैमीट्स बनाने होंगे। गैमीट्स बनाने तो पहले भी आपने क्या, एक जर्म सेल है, यह पहला भी माइटोसिस करते अपना नंबर रिजर्व करने लिए, इन्हें माइटोसिस करी सी। हुन देखो जदों गैमीट बन गया, वो गैमीट्स फ्यूज हो गए, गैमीट्स फ्यूज हो गए, उस तो बाद भी वो माइटोसिस ही करूगा ताकि उसकी बॉडी के अंदर सेल्स का नंबर है जेड़ा वो मेंटेन हो सके, सेल्स का नंबर है जेड़ा वो ज्यादा हो सके, तो दैट इज कॉल्ड एज द क्लीवेज। ठीक है, तो क्लीवेज नु आपां की कहांगे, क्लीवेज इज द सीरीज ऑफ रैपिड माइटोटिक डिवीजन्स ऑफ द जाइगोट विच कन्वर्ट्स द सिंगल सेल्ड जाइगोट इनटू अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो आप क्लीवेज की अगर डेफिनेशन देखिए, तो इट इज द रैपिड और रेपिटेटिव, रेपिटेटिव की हो गया, रिपीट ही हो रही है ना, रेपिटेटिव एक बार हुई दो सेल बने, दूजी बार हुई चार बने, तीजी बार हुई चार तो आठ बन गए, चौथी बार हुई आठ तो 16 बन गए, 16 तो 32, रिपीट हो रहे हैं ये प्रोसेस सेम टू सेम। तो रेपिड और रिपीटेटिव केड़िया डिवीजन्स, माइटोटिक डिवीजन्स। ठीक है, जो की कर दिया ने सिंगल
ਸੈੱਲਡ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਟੋਟਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਬਣਾ ਲੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਕਲਾਸਿਸ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਚ ਵੀ ਮਾਇਟੋਟਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਫੀਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਨੇ 9 ਮੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬੇਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ। ਸੱਚ ਅ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਸ ਕਾਲਡ ਐਸ ਦ ਕਲੀਵੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਵੇਜ। ਤਾਂ ਕਲੀਵੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਲੀਵੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ੈਡ ਪੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਪੋਲਰ ਬਾਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਵਰਆਲ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਪੀਟਡ ਮਾਇਟੋਟਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਲੀਵੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ 24 to 30 hours ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਡੋਪਟ ਹੋਣ ਚ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਪਰਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਡੀ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਮੇਲ ਦੀ ਬਾਡੀ ਚ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਪੀਡੀਡੀਮਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਚਿਓਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੈਪੈਸੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸਪਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 5 to 6 hours ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਉਹਦੇ ਉਹ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਡੈਪਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸੇਮ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕਰਾਉਣ ਚ ਲਗਾਊਗੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਲੀਵੇਜ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣਨ ਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਫਟਰ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਸਮ ਟਾਈਮ। ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ ਆਫਟਰ 30 hours। 30 ਜਿਹੜੇ ਘੰਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਵੇਜ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਉਹ ਐਗ ਹੀ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਐਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆਫ ਦਾ ਸਪਰਮ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਗ ਹੀ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਸੈੱਲਡ ਸਟਰਕਚਰ ਕਾਲਡ ਐਸ ਜ਼ਾਈਗੋਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਜ਼ੈਡ ਪੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ੋਨਾ ਪੈਲੂਸੀਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 polar bodies ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੈਡ ਪੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਲਰ ਬਾਡੀਜ਼ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੋਲਰ ਬਾਡੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ੈਡ ਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਜ਼ੋਨਾ ਪੈਲੂਸੀਡਾ ਹੈ, ਪੋਲਰ ਬਾਡੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 30 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਫਟਰ 30 hours ਇਸ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜ਼ੈਡ ਪੀ ਹੈ, ਆਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਸੀਗਾ ਉਹ 2 cells ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ੈਡ ਪੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਪੋਲਰ ਬਾਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੂੰਗੀ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਕਾਲਡ ਐਸ ਬਲਾਸਟੋਮੀਅਰਸ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈੱਲਸ ਬਣੀ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਸਟੋਮੀਅਰਸ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16 ਬਣਨਗੇ, ਦ ਆਲ ਸੈੱਲਸ ਵਿਲ ਬੀ ਨੋਨ ਐਸ ਦਾ ਇਨਸਾਈਡ ਦ ਬਲਾਸਟੋਮੀਅਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਲੀਵੇਜ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਿਊਬ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੈੱਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਾ ਦੂੰਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟਿਊਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਟਿਊਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨੀਚੇ ਯੂਟਰਸ ਤੱਕ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ ਬਾਡੀ ਲਈ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਲੀਵੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਸ ਜਾਊਗਾ। ਯੈਸ, ਅਗਰ ਉਹ ਫਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੈੱਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ,
न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियोज ने जिहड़ियां ओही इनक्रीज हुंदियां रहिंदियां, जिन्ना साइटोप्लाज्म है ओही डिवाइड हुंदा रहूगा, होर नहीं बनूगा। सैल का साइज इनक्रीज नहीं होगा, उस सैल के अंदर ही न्यूक्लियस ते साइटोप्लाज्म है जिहड़ा ओ डिवाइड हुंदा रहूगा। दैट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट डिवीजन और फर्स्ट क्लीवेज होके एक सेल दे अंदर जाइगोट दे अंदर दो ब्लास्टोमियर्स ने जेड़ियां ओ बन गया। ठीक है, हुन ए दो ब्लास्टोमियर्स ने जेड़ियां हुन ए चार सेल स्ट्रक्चर, फोर सेल स्ट्रक्चर मैं इथे ड्रॉ कर दिया नीचे इमीडिएटली इथे। तो ए टू सेल स्ट्रक्चर आर ई जेड पी, हुन मेरे को आ रहा है फर्स्ट सेल, आ रहा है सेकेंड सेल, आ रहा मेरे को थर्ड सेल। कुछ बुक्स के अंदर हो सकता थर्ड थ्री सेल स्टेज भी बनाई हुए, क्योंकि चौथा सेल पीछे दिखा देते हैं, थ्री सेल का मतलब यही है। ठीक है, तो ये मेरे को फोर सेल स्ट्रक्चर, आउटर जेड पी पोलर बॉडीज आर देयर, तो मेरे को फोर सेल स्ट्रक्चर आ गई। दिस इज द फोर सेल स्ट्रक्चर, ये चारा नु मैं की कहा ब्लास्टोमियर्स कहा। हुन इस फोर सेल तो बाद मेरे को केड़ी स्ट्रक्चर आई, एट सेल स्ट्रक्चर आ गई। लो जी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट सेल स्ट्रक्चर, सेम सेल का साइज है, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियोस ने जेड़ियां ओ इनक्रीज हो जा रही ने। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहे हैं। हूं फोर तो किन्ने सेल्ड हो गया, एट सेल्ड हो गया। हूं देखो इस तो बाद सेल का साइज इनक्रीज नहीं हो रहा, जे आप अंदर अंदर डिवाइड करी जावांगे तो यह मतलब वो अंदर स्पेस है जेड़ा वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा ना, तो उस स्पेस नू मैनेज करन लई सेल्स अपने आप नू भी की कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। देयर विल बी द अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स इन साइड द स्ट्रक्चर, बट हजे नहीं इस तो बाद। इस तो बाद केड़ी स्ट्रक्चर आऊगी, 16 सेल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, इथे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16, this is 16 cell stage, same labels name blastomeres are there, zona pellucida will be there। ठीक है, 16 cell stage are, इस अपर 16 सेल स्टेज नू कहने हैं मोरूला। दिस इज कॉल्ड एज मोरूला, क्योंकि ऐसे लगता है जिवें ग्रेप्स का गुच्छा है जेड़ा ओह तैयार है। ठीक है, मोरूला इनू आप कहने हैं मोरूला, वी हैव इज मोरूला स्ट्रक्चर। ठीक है, एम ओ आर यू एल ए, दिस इज मोरूला। ठीक है, तो एक पेपर के अंदर इतों की क्वेश्चन आ जाता है, वन मार्क वाले क्वेश्चन के अंदर, कि 16 सेल स्टेज नू की कहा जाता है। व्हाट डज 16 सेल स्ट्रक्चर इन द क्लीवेज इज नोन एज, क्लीवेज ऑफ जाइगोट इज नोन एज। ठीक है, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर उन्हें की कहा जाता है। ऑप्शंस आर जाइगोट, ऑप्शन टू इज ब्लास्टोमियर्स, ऑप्शन थ्री इज मोरूला, ऑप्शन फोर इज ब्लास्टोसिस्ट, जो कि इस तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, हुन देखो इस तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर की कहती है, इस तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर, क्योंकि देखो सेल्स अंदर बहुत ज्यादा हो गए, मैं पहले भी कह चुकी हूं, एज द नंबर ऑफ द सेल्स इज इनक्रीजिंग ओवर हियर, तो एने इस तो ज्यादा अगर डिवाइड होगा तो उन सेल्स नू अंदर मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। इस करके सेल्स ने ना जेड़े वो अपने आप नू अरेंज कर लेंगे, आई कैन मेक ओवर हियर, सेल्स अपने आप नू अरेंज कर लेंगे। वो अरेंज किवें करते हैं, आ रही मेरी जेड पी, दिस इज द जेड पी। हुन जेड़ी जेड पी है, क्योंकि यह स्टेज कितने चल रही है, 16 सेल स्टेज मेरे को आ गई, 16 तो बाद अगली केड़ी आऊगी 32, 32 सेल स्टेज है। एक चीज अपने दिमाग च रखनी है कि ये स्टेप इको ही जगह पे नहीं हो रहा, ये स्टेप एक चीज है जिवें आपां मूवीज दे अंदर देखदे ना, कि हीरो पुरानियां मूवीज दे अंदर दिखांदे सीगे कि एक हीरो है उहदे नाल कोई ट्रैजेडी हुई, फिर उहनूं भजदे भजदे ही बड़ा कर दिंदे सीगे। ठीक है, हुण इत्थे आपां बड़ा तां नहीं कर रहे, बट नंबर ऑफ सेल्स इनक्रीज हो रहे। हुण इहदे इहदे अंदर इहनूं मैं उहदे नाल रिलेट करो कि एक फिलोपियन ट्यूब है, मैं ट्यूब दे अंदर भी दिखाऊंगी, एक फिलोपियन ट्यूब है जिहदे अपर एंड दे अंदर फर्टिलाइजेशन हुई।
ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਲ ਹੈ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੀਚੇ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਨੇ ਯੂਟਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਟੈਪਸ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਡਾਊਨ ਟੂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਡਾਊਨ ਟੂ ਦਾ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਹ 32 ਸੈਲਡ ਸਟੇਜ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਯੂਟਰਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ ਟੂ ਇੰਪਲਾਂਟ ਇੰਪਲਾਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੈਡ ਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣੀ ਉਹ ਟੁੱਟਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ੈਡ ਪੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬ੍ਰੋਕਨ ਜ਼ੈਡ ਪੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ੈਡ ਪੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ ਜ਼ੈਡ ਪੀ ਦਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇਟ ਹੋਲਡਸ ਔਰ ਇਟ ਡਸ ਨਾਟ ਅਲਾਉਸ ਦਾ ਐਮਬਰੀਓ ਟੂ ਇੰਪਲਾਂਟ ਐਟ ਏ ਰੋਂਗ ਪਲੇਸ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੈਡ ਪੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ 32 ਸੈਲਡ ਸਟੇਜ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਯੂਟਰਸ ਦੀ ਵਾਲ ਐਂਡੋਮੀਟਰੀਅਲ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਜ਼ੈਡ ਪੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਚ ਹੋ ਸਕੇ ਜ਼ੈਡ ਪੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅਟੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ੈਡ ਪੀ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਟ ਦਾ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਊਬ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਬਲਾਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜ਼ੈਡ ਪੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਦੈਟ ਹਿੰਡਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਟ ਦਾ ਰੋਂਗ ਪਲੇਸ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਕਿਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣ ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੈਡ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸੈਲਸ ਸੀਗੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸੈਲਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸੈਲਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਲੇਅਰ ਬਣਾਤੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਸੈਲਸ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਐਨਲਾਰਜ ਵਿਊ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੈਲਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹੀ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੈਡ ਪੀ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬਣਾਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਹ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਜੇ ਜ਼ੈਡ ਪੀ ਰਪਚਰ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂਬਰੇਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੈਲਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਲੇਅਰ ਬਾਹਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੀ ਤੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਸੈਲਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨਰ ਸੈਲ ਮਾਸ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਦਿਸ ਸਟਰਕਚਰ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਸ ਦਾ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਜਦੋਂ ਸੈਲਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ੈਡ ਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੰਦਰ ਸੈਲਸ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਲੇਅਰ ਬਣਾਤੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਇਨਰ ਸੈਲ ਮਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲੇਬਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨਰ ਸੈਲ ਮਾਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨਰ ਸੈਲ ਮਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੈਲਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਹੀ ਸੈਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਬਾਹਰ ਬਣਾਤੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸੈਲਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਸੈਲਸ ਨੇ ਅੰਦਰ ਇਨਰ ਸੈਲ ਮਾਸ ਬਣਾਤਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸੈਲਸ ਦੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਟ੍ਰੋਫੋਬਲਾਸਟ ਟ੍ਰੋਫੋਬਲਾਸਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੈਵਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਦਿਸ ਕੈਵਿਟੀ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਸ ਦਾ ਬਲਾਸਟੋ ਸੀਲ ਕੈਵਿਟੀ ਬਲਾਸਟੋ ਸੀਲ ਕੈਵਿਟੀ ਬਲਾਸਟੋ BLASTOCEL COEL ਬਲਾਸਟੋਸੀਲ ਕੈਵਿਟੀ ਕਲੀਅਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੀਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੀਵੇਜ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੇ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਉਨੀ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਗਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸੈਲ ਸਟੇਜ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸੈਲਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਦੀਜ਼ ਆਲ ਆਰ ਬਲਾਸਟੋਮੀਅਰਸ ਟੂ ਸੈਲ ਫਿਰ ਫੋਰ ਸੈਲ ਫਿਰ 8 ਸੈਲ 8 ਸੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ 16 ਸੈਲ ਸਟੇਜ ਸੀਗੀ ਉਹ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁੱਛਾ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਗਰੇਪਸ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਈਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੰਚਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 16 ਸੈਲ ਸਟੇਜ ਆ ਗਈ 16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਡਾਊਨ ਟੂ ਦਾ ਯੂਟਰਸ ਠੀਕ ਹੈ
हुन अपने कोल उस स्ट्रक्चर ने अपने आप नू रीअरेंज किता, रीअरेंज करन च ओदा जेड पी रपचर हो गया ते ओदे सेल्स ने ही एक बाहर लेयर बनाती, एक अंदर इनर सेल मास बनाता। जेड़ी बाहर लेयर बनाई उन्हों मैं की क्या ट्रोफोब्लास्ट कहा, जेड़े अंदर सेल्स दा ट्रायंगल बनाता उन्हों मैं कहा इनर सेल मास। जेड पी है जेड़ी वो खत्म होगी। हुन इत्थे एक एक नंबर का क्वेश्चन या दो नंबर च भी आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय जेड पी और जोना पेलुसिडा एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। ठीक है, तो एदा आंसर की हो गया, जेड पी इज द लेयर प्रेजेंट आउटसाइड द एग। ठीक है, जो कि एग दे अंदर ज्यादा नंबर ऑफ स्पर्म्स नू भी एंटर नहीं होन दिंदी सीगी। दूसरा, ए प्रेगनेंसी नू गलत जगह ते होन तो भी रोकदी है। ठीक है, अगर जेड पी पहले ब्रेक हो जाए तो वो जिहड़ा है सेल अंदर ही चिपक जूगा पहले ही, मतलब ओदी इम्प्लांटेशन उत्थे ही हो जूगी। ठीक है, तो दैट इज द अपने कोल की आ गया, दिस इज द क्लीवेज। द क्लीवेज दी प्रोसेस है जिहड़ी ए फर्टिलाइजेशन तो 30 घंटिया बाद शुरू हुंदी है। जिहड़ा नवा बनिया होया जाइगोट हुंदा है ओह 30 घंटे बाद फर्स्ट डिवीजन करदा है, जिहनू आपां फर्स्ट क्लीवेज कहिंदे आ, जिहदे अंदर ओदे दो सेल्स बनदे है। उस तो बाद 24 घंटे ने जिहड़े 24 to 30 तो बाद अगले 10 घंटे, मतलब 30 घंटे तो बाद ये दो सेल्स दे अंदर बनिया, फिर 10 घंटे का होर डिफरेंस आया आफ्टर 10 आवर्स ये 4 सेल्स दे अंदर, मतलब ये सारा प्रोसीजर है जेड़ा ऑलमोस्ट एक हफ्ता लेंदा है एक फीमेल दी बॉडी दे अंदर। तो हर एक दे अंदर टाइम डिफरेंस तो होगा ही होगा ना, पहला इत्थे उन्हें 1.5 दिन लगाता, ठीक है, फिर 1.5 दिन तो बाद फिर अद्धा दिन, फिर 10 आवर्स का डिफरेंस हो गया, फिर होर डिफरेंसेस करते करते 14वें दिन अगर फर्टिलाइजेशन हुई है तो 21वें दिन जाके इम्प्लांटेशन है जेड़ी वो फीमेल दी बॉडी दे अंदर हुंदी है। ठीक है, तो नेक्स्ट 10 आवर्स दे बाद सेकंड डिवीजन हुंदी है, फिर थर्ड डिवीजन ऑलमोस्ट 3 दिन दे बाद हुंदी है। इन्हां नू अर्ली क्लीवेजेस कहंदे ने, ते इस दौरान जेड़ा एम्ब्रियो है वो स्लोली स्लोली डिवाइड करता होया डाउन टू द फेलोपियन ट्यूब यूट्रस वाल आना शुरू हो जांदा है। फोर्थ डे दे एंड ते 16 स्टेज वाली जेड़ी स्ट्रक्चर है जिनू आपां मोरुला कहने आ ओ बन जांदी है, मलबरी दी तरह ही ए लगदी है, लिटल मलबरी। ठीक है, उस तो बाद ए नीचे आ जांदी है ते नीचे आके ओ स्ट्रक्चर ब्लास्टोसिस्ट दे अंदर कन्वर्ट हो जांदी है। ठीक है, मतलब डिवीजन हुई ते मॉडिफिकेशन भी हुई ते उत्थे की बन गया ब्लास्टोसिस्ट बन गया। तो क्लीवेज दी सिग्निफिकेंस की है, क्लीवेज दी सिग्निफिकेंस है कि साइटोप्लाज्म ते न्यूक्लियस दी रेशो है जेड़ी ओ ओनी दे अंदर ही असी सेल्स नू डिवाइड करांगे ते प्रॉपर इम्प्लांटेशन दे अंदर हेल्प करांगे। ठीक है, तो एक यूनिसेलुलर जाइगोट है जेड़ा ओ एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर यानी कि एम्ब्रियो दे अंदर कन्वर्ट हो जाता। दिस इज द मेजर सिग्निफिकेंस ऑफ द क्लीवेज। क्लीवेज का मेजर सिग्निफिकेंस की है, एक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर नू एक मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर दे अंदर कन्वर्ट करना। ठीक है जी, तो अपने कोल की आ गया यूनिसेलुलर जाइगोट है जेड़ा वो एक मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो दे अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ओदा सेल साइज ते ओदी न्यूक्लियो ते साइटोप्लाज्मिक रेशोज ने जेड़िया वो रीस्टोर्ड रहंदियां ने, एंड जेड़ी प्लाज्मा प्रोटोप्लाज्म दी मोबिलिटी है जेड़ी क्योंकि सेल डिवाइड हो रहा है वो फटाफट होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी, तो ये अपने कोल आ गया सिग्निफिकेंस ऑफ द क्लीवेज। ठीक है, तो अपने कोल दिस इज क्लीवेज। हुन आ जाओ जी ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। वैसे मैं इत्थे दसता सीगा बट हुन आपां इसे डायग्राम नू एक नवे तरीके दे नाल सीखदे आ। किस तरीके दे नाल सीखदे आ, फीमेल दे ट्रैक दे अंदर ड्रॉ करदे आ कि फीमेल दे ट्रैक दे अंदर चेंजेस ने जेड़े ओ किवें किवें होणगे। ठीक है, तो आपां फीमेल दा ट्रैक ड्रॉ करांगे, ट्रैक दे अंदर ही इस स्ट्रक्चर नू ड्रॉ करांगे। ठीक है, सो वी हैव इज द अपने कोल कंप्लीट डायग्राम की है कि ओवरी ऑफ द फीमेल है, इथो दी फेलोपियन ट्यूब है जेड़ी ओ शुरू होगी, आ यूट्रस ऑफ द फीमेल है, ओवरी चो एग है जेड़ा ओ डिस्चार्ज होया, फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बन गया। ठीक है, 30 घंटे बाद इस जाइगोट ने दो सेल्स दे अंदर डिवाइड होया, अगले 10 घंटे दे बाद इन्हें 2 to 4 सेल्स बनाए, फिर इन्हें 4 to 8 सेल्स बना ली, मैं नाम नीचे लिख रही है 8 सेल, फिर ए डाउन आना शुरू हो गया। आई कैन मेक इट अगेन,
लो जी 8 सेल, 8 तो बाद 16 सेल स्टेज बन गई, 16 तो बाद ये अपने को डाउन इथे पहुंच गया, इथे पहुंचन ते ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, ये ब्लास्टोसिस्ट दे अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है? ता ये अपने को एक कंप्लीट जेडी स्ट्रक्चर है ओहो बन गई, ठीक है? हुन अपन ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन है जेड़ा ओनू देख दे आ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਹੀ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਡਿਟੇਲ ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਬੈਡ ਹੋਈ ਇੰਬੈਡ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 9 ਮੰਥਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫਲੈਸ਼ਡ ਬੇਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸਟਰਕਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ 7 ਡੇਸ ਲੱਗ ਗਏ यानी कि अगर आप ऑन एन एवरेज मनिए तो हर स्ट्रक्चर तो दूसरी स्ट्रक्चर बनने लई आपां 24 तो आप कह सकते हैं 24 घंटे 20 तो लेके 24 घंटे है जेड़े ओ लगनगे ताही एक ब्लास्टोसिस्ट है जेड़ा ओ रेडी होगा ठीक है तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है जेड़ा मैं हुने पहला दसिया कि एक एग ते स्पर्म हिट होए ए सिंगल सेल ज़ाइगोट बनिया हुने सिंगल सेल ज़ाइगोट है जेड़ा ए अगे एम्ब्रियो दे अंदर कन्वर्ट हो रहा है ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 7th ਡੇ ਆਫਟਰ 14th ਡੇ ਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ 14th ਜਾਂ 15th ਡੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 7 ਡੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੇ ਡਾਊਨ ਟੂ ਦਾ ਯੂਟਰਸ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕੀ ਸੀ ਇੱਕ 16th ਸੈਲ ਸਟੇਜ ਸੀਗੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਆ ਲਓ ਜੀ ਆ 16th ਸੈਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਕਿਹੜੀ ਬਣਨੀ ਸੀਗੀ 32 ਸੈਲਡ ਬਣਨੀ ਸੀ ਆ ਬਾਹਰ ਜ਼ੈਡ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਯੂਟਰਸ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ੈਡ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦੂਗੀ ਜ਼ੈਡ ਵੀ ਤਾਂ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ੈਡ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸੈਲਸ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਿਖਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹਨਾ ਬਸ ਸੈਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਲੇਵਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੈਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਸੈਲਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਲਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਸੈਲਸ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੇਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟ੍ਰੋਫੋ ਬਲਾਸਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬਣਾ ਲਈ ਆ ਲਓ ਜੀ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਸੈਲਸ ਵਿਲ ਅਰੇਂਜ ਔਨ ਦਾ ਆਊਟਰ ਸਾਈਡ ਟੂ मेक द आउटर मेमरी ट्रोफोब्लास्ट ठीक है हुन जेडी तरफ यूटरस च जाके एम्ब्रियो ने इम्प्लांट होना है इम्प्लांटेशन मतलब अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टू द वॉल ऑफ द यूटरस ठीक है इथे सेल्स ने कुछ एवें दा इनर सेल मास बाकी सारे सेल्स ने इनर सेल मास क्रिएट कर लिया दिस इज द इनर सेल मास इनर सेल मास है जिहड़ा ए क्रिएट करता इत्थे एक कैविटी क्रिएट होगी दिस इज ब्लास्टोसील कैविटी आपां इहनूं लेबल करदे आं डिसअपीयरिंग जोना पहलू सी दा डिसअपीयरिंग जेड इस तों बाद की होया अरेंजमेंट होया फिर सेल्स ने अपने आप नूं रीअरेंजमेंट ऑफ द सेल्स ਕਿਹੜੇ ਬਲਾਸਟੋਮੀਅਰ ਸੈਲਸ ਦਾ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੈਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਆਊਟਰ ਲੇਅਰ ਬਣਾਈ ਟ੍ਰੋਫੋ ਬਲਾਸਟ ਸੈਲਸ ਨੇ ਰੀਅਰੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਇਨਰ ਸੈਲ ਮਾਸ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਇਨਰ ਸੈਲ ਮਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਦੀ ਯੂਟਰਸ ਦੀ ਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਨੀਮਲ ਪੋਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਮਬ੍ਰੀਓਨਲ ਪੋਲ ਔਰ ਐਨੀਮਲ ਪੋਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੈਜੀਟਲ ਪੋਲ ਜਾਂ ਐਬ ਐਮਬ੍ਰੀਓਨਿਕ ਪੋਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਨੀਮਲ ਪੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਐਮਬ੍ਰੀਓਨਿਕ ਪੋਲ ਜਾਂ ਐਬ ਐਮਬ੍ਰੀਓਨਿਕ ਪੋਲ ਔਰ ਵੈਜੀਟਲ ਪੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲ ਆਫ ਦਾ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੈਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਲਾਸਟੋ ਸੀਲ ਕੈਵਿਟੀ ਬਲਾਸਟੋ ਸੀਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗੀ ब्लास्टोसिस्ट पेपर के अंदर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय ब्लास्टोसिस्ट
फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही स्ट्रक्चर है जिहड़ी यूटरस दे नाल अटैच होगी। ठीक है, तो हुण सुनो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन की है। नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट दे अंदर जिहड़ा एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो दे 64 सेल्स बनने ने, तो जो 64 सेल्स बनेंगे तो इन्ने सेल्स अंदर आएंगे किवें, तो वो सेल्स अपने आप नू रीअरेंज करते हैं तो एक कैविटी क्रिएट कर देंगे जिन्हों कहते ब्लास्टोसील कैविटी, ते सेल्स अपने आप नू अरेंज करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ ट्रोफोब्लास्ट या जिन्हों ट्रोफो एक्टोडर्म भी कह देंगे। एक्टोडर्म क्यों? क्योंकि बाहर है, एक्टो मतलब आउटर, डर्म मतलब स्किन। ठीक है, ट्रोफो ब्लास्ट या ट्रोफो एक्टोडर्म एंड इनर सेल मास। ठीक है, इस सारी स्ट्रक्चर नू मैं कहनी हूं ब्लास्टोसिस्ट, जिदे अंदर ट्रोफो ब्लास्ट है, इनर सेल मास है, ते एक खाली कैविटी प्रेजेंट है। इस पूरी स्ट्रक्चर दे अंदर दो पोल्स ने, एनिमल पोल या एम्ब्रियोनिक पोल या एब एम्ब्रियोनिक पोल। जेड़ी साइड ते इनर सेल मास है इस साइड तो जाके जेड़ा ओहो एम्ब्रियो है वो जाके यूट्रस दे नाल इम्प्लांट हुंदा है ते ओनू उत्थों दी न्यूट्रिशन मिलना स्टार्ट हो जांदा है। ठीक है, ते जिहड़ा दूसरा साइड है ओनू आपां वेजिटल पोल या एब एम्ब्रियोनिक पोल भी कह दिंदे आ। जिहड़े सेल्स जिहड़े इनर सेल मास दे सेल्स दी सेल्स जिहड़े कि यूट्रस दी मेम्ब्रेन दे नाल कॉन्टैक्ट चांगे एने एने सेल्स आही सिर्फ एने सेल्स जो विच विल बी इन द इमीडिएट कॉन्टैक्ट विद द यूट्रस, तो उन्होंने सेल्स ऑफ राउबर भी कह दिंदे, दे आर ऑल्सो नोन एज द सेल्स ऑफ राउबर। ठीक है, राउबर हो सकता है द नेम ऑफ द साइंटिस्ट होए, आई डोंट नो हियर क्योंकि यदि कोई मैं डिटेल नहीं पता ना, इट इज रिटन इन द बुक्स। द सेल्स ऑफ राउबर कहते हैं बेटे उन्हें सेल्स नू जेडे की यूट्रस दे नाल अटैच होंगे। ठीक है, तो यह अपने को नीट पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल इंपॉर्टेंट है। हुण अपने को एक डेफिनेशन आती है इम्पलांटेशन। वट इज इम्पलांटेशन? तो जदों ये एम्ब्रियो यूट्रस दी वॉल दे नाल अटैच हुंदा है कि दे नाल अपने वेजिट अपने एम्ब्रियोनिक पोल दे नाल एनिमल पोल दे नाल ओदा ओदे अंदर तसना अटैच होना ते इमीडिएटली थोड़े टाइम बाद ही उथो दी इथे एक ब्लड वेसल मतलब नॉट द ब्लड वेसल एग्जैक्टली इथे कुछ एवें दे सेल्स बनने स्टार्ट हो जांदे है, तां इस नूं आपां कहने आ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मतलब इस बॉल दा यूट्रस दे अंदर इम्बेड होना सच ताकि नेक्स्ट प्रेगनेंसी है जेड़ी ओ कैरी ऑन होए, सच इज नोन एज द इम्प्लांटेशन, सच स्ट्रक्चर इज नोन एज द इम्प्लांटेशन। यानी कि 21वें-22वें दिन ए बॉल फीमेल दे यूट्रस दे अंदर आ जाती है। ठीक है, फीमेल दी बॉडी दे अंदर प्रोजेस्टेरॉन दा लेवल डिक्रीज नहीं होगा, वो होर इनक्रीज होगा ताकि एंडोमेट्रियल लाइनिंग गिरे ना, वो मोटी होनी शुरू हो जाए। ठीक है, हजे भी फीमेल नू नहीं पता कि आई एम प्रेगनेंट। ठीक है, उन्हों किवें पता चलूगा? इस तो होर हफ्ते बाद यानी कि 28th डे जदों अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्सपेक्ट कर रही हुंदी है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आऊगा। ठीक है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन दे लेवल्स इंक्रीज हो गए, डिक्रीज ही नहीं हुए, एंडोमेट्रियल लाइनिंग ब्रेक ही नहीं होगी, तो हुण ओह लाइनिंग ब्रेक नहीं हुई तो फीमेल है जेड़ी उन्हों अगर शी इज एक्सपेक्टिंग प्रेगनेंसी तो आफ्टर नेक्स्ट 1 वीक उस तो भी नेक्स्ट 1 वीक यानी कि 28 तो बाद लगा लो नेक्स्ट 1 वीक मतलब 5th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, she has to check the pregnancy and she will be the pregnancy positive कह सकते हैं आपां, यानी कि pregnancy है जेड़ी वो बॉडी दे अंदर अकर हो जाओगी। ठीक है, तो अपने कोल की आ गया बेटे हुन ए अपने कोल आ गए we have is the cells of the inner cell mass है जेड़ा वो अंदर जाएंगे, ते zona pellucida है जेड़ी वो पहले ही rupture होगी। zona pellucida दा function की है कि ये pregnancy नू गलत जगह ते नहीं होन दिंदी। जदों ये attachment हुंदी है उस दौरान बॉडी दे अंदर एक हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है जिन्हों कहते प्रेगनेंसी पॉजिटिव। पता किवें चलिया? तां इत्थे क्रोनिक विलाई आ जिहड़ी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ना, इहनू मैं कल दी क्लास च कंप्लीट करूंगी। इत्थे एक विलस लाइक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हुंदी है जिन्हों आपां विलाई कहने आ। ठीक है, ए विलाई जिवें ही बनती है ना, ए फीमेल दी बॉडी दे अंदर एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिन्हों कहते हैं HCG, ह्यूमन, आई एम राइटिंग द फुल फॉर्म ओवर हियर, ह्यूमन
क्रोनिक, 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 गोनेडोट्रोफिन, ठीक है, क्लियर हो गया। ट्रोफिन मतलब ट्रोफोब्लास्ट तो आ गया, गोनेडो मतलब सेक्स नल रिलेटेड है, क्रोनिक मतलब इतने में क्या विल्लाई का नाम आऊगा, क्रोनिक विल्लाई। एच सी जी नाम का हॉर्मोन ब्लड के अंदर रिलीज होना शुरू हो जाता है, यही हॉर्मोन होंगे जो प्रेगनेंसी की स्ट्रिप के यूरिन च भी इन्ना ज्यादा अमाउंट च रिलीज होंगे कि यूरिन च भी आना शुरू हो जाता है। फिर फीमेल अपने यूरिन का टेस्ट करती है एंड ए हॉर्मोन जाके उस स्ट्रिप के उपर जो एंजाइम्स ने उन्होंने क्लॉटिंग रिएक्शन करता है एंड उपर जी लाइन है वह अपीयर हो जाती है एंड नाउ द फीमेल इज सैड टू बी प्रेगनेंट। ठीक है बेटा जी, एच सी जी है जेड़ा एक ही होंदा है, ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स ने जेड़े, द सेल्स ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट, एच सी जी जिवें ही मेम्ब्रेन दे नाल अटैच होंगे एच सी जी बनाना शुरू कर देंगे, तो एच सी जी है जेड़ा प्रोजेस्टेरोन दी अमाउंट होर ज्यादा इनक्रीज कर देंदा है, ते फीमेल दे सर्विक्स दे अंदर एक प्लग क्रिएट हो जाता है ताकि वह बनिया हुआ बच्चा बाहर ना निकले। हजे बच्चा तो बनिया ही नहीं है ना, बेबी तो बनिया ही नहीं, वो बाहर ना निकले, इस तो पहले ही सर्विक्स के अंदर एक म्यूकस का प्लग भी बन जाता है। एंड एच सी जी इज द हॉर्मोन जिहड़ा कि प्रेगनेंसी की पॉजिटिविटी लई रिस्पोंसिबल हुंदा है। ठीक है जी, तो हुण बेटे इस तो नैक्सट स्ट्रक्चर ने जिहड़ियां हाइपोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट यानी कि गैस्ट्रुलेशन, एम्ब्रियो की नैक्सट जिहड़ी आपां स्ट्रक्चर कह सकते हैं, नैक्सट पार्ट है जिहड़ा आपां नैक्सट क्लास च डिस्कस करांगे। फिर समझ नहीं आना ये सारिया डायग्राम्स तुसी आज ड्रॉ करके देखनिया ने बेटे ताई ये समझ आनगियां, हजे आपां ने सिर्फ इनर सेल मास ते ट्रोफोब्लास्ट तक ही कीता है, इस तो बाद आपां इस इनर सेल मास दे सेल्स नू मॉडिफाई करांगे, बट कल दी क्लास दे अंदर मैं डायग्रामेटिकली मॉडिफाई करके दसूंगी। ठीक है जी, तो इथों तक तुसी अपना कंप्लीट कर लो बेटे, तो नैक्सट क्लास के अंदर आपां गैस्ट्रुलेशन डिस्कस करांगे, यानी कि एम्ब्रियोनिक डिवलपमेंट का फर्स्ट आर्टिकल है क्लीवेज, सेकंड अपने कोल है गैस्ट्रुलेशन। ठीक है जी, तो गैस्ट्रुलेशन तो बाद है प्रेगनेंसी एंड वी कैन से पार्चुरीशन, लैक्टेशन, छोटे छोटे आर्टिकल्स ने, इट विल टेक राउंड अबाउट टू डेज मोर कि इस प्रोसेस नु ही कंप्लीट करन च, उस तो बाद लैक्टेशन, प्रेगनेंसी वह सारे एक दिन का ही है, यानी कि टू टू थ्री और वी कैन से राउंड अबाउट थ्री फोर लेक्चर्स ने जेड़े अपने हजे भी लग जाएंगे। ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, फिर अपना चैप्टर है जेड़ा वो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अज आपने सिर्फ क्लीवेज ही डिस्कस किया है अपा, मैं आई एम मूविंग वेरी स्लो। ठीक है, तो तुसी अकॉर्डिंगली अपन सारिया स्ट्रक्चर्स ने जेड़ियां वो ड्रॉ करके देखना, क्योंकि इतने बहुत कन्फ्यूजन होंगी है बेटे बच्चों नू कि कौन ब्लास्टोमीयर सीगा, कौन ट्रोफोब्लास्ट है, कितने ब्लास्टोसिस्ट बन गया, इनर सेल मास की है, तो उन्होंने टर्म्स नो आई थिंक सो मैं बहुत पेशेंसली बहुत स्लोली स्लोली दसिया है, तो तुसी भी उन्होंने अपना उसे मोशन के अंदर स्लोली स्लोली समझियो, कदे भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, नेवर एवर।